सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाए वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। भगवान को जब आना होता है, जैसे अपने घर में कोई श्रेष्ठ जन, कोई परदेशी या गुरजन आने वाले होते हैं, यहाँ जब दिवाली आने वाली होती है तो पूरे घर के कूड़े करकट को सब साफ करके घर को पुतवा करके सुंदर बना करके रखते हैं कि नहीं मिश्रा जी? एकदम बढ़िया। जितना कूड़ा करकट होगा, कबाड़ होगा, सब बेच देंगे, हानि लाभ के लिए नहीं सोचते। वैसे परमात्मा का जब प्रादुर्भाव होने वाला हुआ तो जितने लग्न थे, ग्रह थे, जो योग थे, सब तिथि, लगन, ग्रह, वार, जैसे पंचांग होता है ना, पंचांग का मतलब होता है कि जिसमें पांच अंग हो। पंचांग का मतलब क्या है? जिसमें पांच अंग हो। वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण, ये पांचों अंग जब एकत्रित होते हैं तो उसी को कहते हैं पंचांग। तो जोग लगन ग्रह वार तिथि सकल भय व्यन कुल, सब अपने आप अनुकूल हो गए। क्योंकि किसी कवि ने कहा है कि जा पर कृपा राम की होई और ता पर कृपा करें सब, अपने आप सब कृपा। अब जैसे घर में कोई कार्य हो, बेटी का विवाह हो, आप जिससे पैसा मांग के रखोगे कि कुछ जुगाड़ कर देना 10-5 हजार का, तो वो तुम्हें पैसा नहीं दे पाएगा, बाकी दूसरा आकर के दे जाएगा। अजमा लीजिएगा बात, क्यों? क्योंकि परमात्मा ने उसको इतना बड़ा दिल नहीं दिया है, पैसा तो दिया है लेकिन किसी धर्म कार्य के लिए पैसा ही नहीं दिया है। धन तो उसी का लग सकता है धर्म में जो धर्मात्मा होगा। और परमात्मा जब आते हैं तो धर्म साथ लेकर के आते हैं और आगे आगे माया को भी भेज देते हैं। लेकिन हमारे राघवेंद्र सरकार जब आए तो माया पीछे रह गई और परमात्मा आगे आगे अयोध्या की ओर प्रस्थान कर लिए।